वर्कशीट टू ऑफ द चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. दिस वर्कशीट इज बेस्ड ऑन द इनवर्स वेरिएशन. इन द इनवर्स वेरिएशन, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट एन इंक्रीज इज वन कॉजेज करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर एंड द वाइस वर्सा, देन सच ए वेरिएशन इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स मीन्स अगर एक क्वांटिटी, एक कोई वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होता जाएगा, कम. इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे स्पीड टाइम. अगर स्पीड इंक्रीज करेंगे टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड को कम कर देंगे टाइम ज्यादा लगेगा. तो एक इंक्रीज करेंगे दूसरा डिक्रीज होगा, तो इस तरीके का वेरिएशन क्या रहेगा, इनवर्स वेरिएशन. और एक दूसरा होता है वर्क एंड मैन या नंबर ऑफ मैन एंड डेज. अगर ज्यादा लोग मिलकर एक काम को करेंगे तो कम दिन में फिनिश हो जाएगा, और ज्यादा कम लोग करेंगे तो वर्क ज्यादा दिन में फिनिश होगा. इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ इनवर्स वेरिएशन. ओके, तो इन दिस वेरिएशन टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इनवर्स वेरिएशन इफ एन इंक्रीज इन एक्स कॉजेज द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन वाई इन सच ए मैनर दैट द एक्स वाई रिमेन्स द कॉन्स्टेंट. एक्स वाई मीन्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट. ओके, इन डायरेक्ट वेरिएशन वी स्टडी अबाउट द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड इन इनवर्स प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम. नाउ द वर्कशीट टू. इन द फॉलोइंग टेबल ए एंड बी वेरी इनवर्सली, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज. यहां पर ए और बी हैं, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इनवर्सली हैं. इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज रिमेन्स द सेम. सपोज 7 इंटू 8 इक्वल टू ए इंटू 4. ओके, इन दिस टेबल ए एंड बी वेरी इनवर्सली, इट मीन्स ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. नाउ यू कैन फाइंड बाई दिस मेथड 7 इंटू 8 इक्वल टू एक्स इंटू 4, क्योंकि सभी का प्रोडक्ट आपस में क्या रहेगा, सेम. नाउ एक्स इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4, 14. ओके, एंड नाउ फाइंड द वाई. तो 7 इंटू 8 इक्वल टू 28 इंटू वाई. वाई इक्वल टू 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 28. 7 4 28, 4 2 8. देखिए यहां पर क्या आया, 14, और यहां आया 2. तो 28 2 56, 7 8 56, 14 4 56. इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टेबल रिमेन्स द कॉन्स्टेंट, सेम रहेगा सभी का प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट टू टेबल अपने से बनाइएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द साइंस टीचर आस्क द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 टू मेक ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन पॉल्यूशन. वेन 10 स्टूडेंट्स वर्क ऑन इट द वर्क गेट्स फिनिश्ड इन द 3 डेज. ओके, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड सो दैट द वर्क फिनिश इन 2 डेज. वो कह रहा है कि उसने कहा कि 10 स्टूडेंट को बोला तो उसको वर्क को कितने दिन में फिनिश करना था, 3 डेज में. अब वो कह रहा है कि वो कहती है वर्क को सिर्फ 2 ही दिन में खत्म करो तो कितने ज्यादा स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी. अब वर्क को कम दिन में खत्म करना है तो स्टूडेंट्स ज्यादा चाहिए. तो इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. वेरिएशंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या बनानी पड़ती है, टेबल. टेबल में बनाएंगे, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नीचे नंबर ऑफ डेज. क्वेश्चन क्या है कि अगर 10 स्टूडेंट्स लगते हैं तो कितने दिन में फिनिश होता है, 3 डेज में. ओके, 10 स्टूडेंट फिनिश ए वर्क इन 3 डेज. इफ ए टीचर वांट्स टू फिनिश द वर्क इन 2 डेज, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड. क्लियरली दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. ये हर क्वेश्चन में आपको लिखना है इनवर्स है या डायरेक्ट है, फुल इनवर्स वेरिएशन. ओके, नाउ इनवर्स वेरिएशन प्रॉपर्टीज एक्स इंटू 2 इक्वल टू 10 इंटू 3. एक्स इक्वल टू 10 इंटू 3 30/2 15. हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड, 15. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
Now question number 3. Running at an average speed of 40 km per hour, a bus completes a journey in 4 whole 1/2 hours. Okay. How much time will he return journey take it if the speed is increased to 45 km per hour? देखिए पहले स्पीड कितना था 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा था 4 whole 1/2 hours. अगर स्पीड को बढ़ा देंगे 45 किलोमीटर पर आवर कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा. वी नो द स्पीड टाइम रिलेशन इज ए इनवर्स वेरिएशन. हियर इज स्पीड टाइम, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, टाइम इन आवर्स. If the speed is 40 km per hour, the time takes 4 whole 1 by 2 means 9 by 2 hour. And if the speed increases to 45 km per hour, the how much time will take to complete the journey? Simple, this is a case of inverse variation. It means 40 into 9 by 2 equal to 45 into x. Then x equal to 20 into 9 divided by 45. पहले इस 2 से कैंसिल कर दिए. Now कैंसिल by 9, 5, 5. How much time will it take to cover that is 4 hours. This is the answer. देखिए जब 40 किलोमीटर था तो 4.5 आवर लग रहे थे और जैसे ही स्पीड बढ़ाए तो टाइम कम लग गया 4 आवर्स. दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. क्वेश्चन नंबर 4. These are cyclists to her school at an average speed of 12 km per hour. It takes her 20 minutes. He reached the school. To reach the school. If she wants to reach her school in 15 minutes, what should be her average speed? Disha jo hai, kis speed se jaati hai? 12 km per hour ke. Aur time lagta hai 20 minutes. Agar she wants to reach her school in 15 minutes, if she wants to take only 15 minutes, that what should be the average speed. Okay. Make a table. Speed in kilometer per hour. Kilometer per hour. And the time in minutes. Time in minute. Okay. Convert into hour. Because the speed is kilometer per hour, the time we should take in hours. Okay. The speed is 12 km per hour, time she takes time 20 minutes, 20 divided by 60. Okay. If she complete, she wants to reach her school in 15 minutes. What is the speed of the Disha? We know that the speed and time is a inverse variation. Clear? In inverse variation, the formula is x into y equal to constant. It means 12 into 20 by 60 hours and x into 15 by 60. You can solve 20, 3 and 3 se katega 4. 15, 4 ja 60. Now the x equal to cross multiply 4 into 4. It means 16 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड कितना होना चाहिए 16 किलोमीटर पर आवर. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 15 मैन कैन रिपेयर अ रोड इन 24 डेज देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक 9 मैन टू रिपेयर द सेम रोड. 15 मैन एक रोड को रिपेयर करने में कितना टाइम लेते हैं 24 डेज. तो 9 मैन कितना टाइम लेंगे यानी लोग घट गए हैं 15 टू 9 तो नंबर ऑफ डेज क्या करेंगे इंक्रीज. तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करेंगे तो दिस इज ए इनवर्स वेरिएशन. नंबर ऑफ मैन एंड डेज. 15 मैन कैन टेक 24 डेज. 15 मैन टेक्स 24 डेज. तो 9 मैन how much days? Clearly this is a case of inverse variation. And now the product of remains the constant.
x equal to 15 into 24 divided by 9. 3 threes are 9, 3 8s are 24, 3 5, 5 8s are 40. How many days required to complete the work? 40 days. Next question. If 30 goats can graze a field in 15 days, then how many goats will graze in the same field in 10 days? 20 goat जो है मिलके एक फील्ड को कितनी देर में फिनिश कर देती है? 15 डेज में. तो 10 डेज में फिनिश करने के लिए कितनी गोट्स की रहेंगी, कितनी ज्यादा गोट हो जाएंगी, यानी नेचुरली कम दिन में खत्म कर देंगी, तो नंबर ऑफ गोट्स क्या होगी? इंक्रीज. इट मीन्स दिस इज ए इनवर्स वेरिएशन. मेक ए टेबल. नंबर ऑफ गोट्स दे कैन ग्रेज ए फील्ड इन नंबर ऑफ डेज. 30 goats can graze in a field in 15 days. How many goats can graze the field in 10 days? This is a case of. This line is very important. This is a case of inverse variation. Inverse means one is increasing and another quantity decrease. So the product x into 10 equal to 30 into 15. Product x into 10 equal to 30 into 15. X equal to by 10 cancel 45 goats. 10 days में graze करने के लिए कितनी goats की जरूरत पड़ेगी? 45. Question number 7. A contractor with a work force of 420 men can complete a work of construction of a building in 9 months. 420 men can complete a work in 9 months. Due to request by the owners, he was asked to complete the job in 7 months. How many extra men he must employ to complete this job? Naturally, pehle work 9 months mein finish hota tha, to 420 men ki zarurat thi. Ab 7 months mein complete karana hai. तो मैन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज. लोगों को बढ़ाना पड़ेगा वर्क के लिए, इसलिए ये क्या बन जाएगा? इनवर्स वेरिएशन. नंबर ऑफ मैन टेबल बनाइए पहले. कितने लोग की जरूरत पड़ेगी और कितने दिन में काम खत्म होगा? टाइम इन मंथ्स. टाइम किस में कंप्लीट हो रहा है? मंथ. 420 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 9 मंथ. ए बिल्डर वांट्स टू कंप्लीट द वर्क इन 7 मंथ्स. So how many more men required to complete the job? This is a case of inverse variation, means 420 into 9 equal to x into 7. X into 7, this is a case of inverse variation, means 420 into 9. Then x equal to 420 into 9 divided by 7. Okay, 7 6 ja 42, 60 into 6, 9 is 54. How much extra men required for to complete the work? Extra men equal to 540 minus 420. It means 120. Extra men 120, extra men required to complete the work. Okay, this is an important question. The next question. Question number 8. Uday can finish a book in 25 days if he reads 18 pages every day. How many days will he take to finish it if he reads 15 pages every day? 25 days, agar wo 18 pages daily padhta hai to 25 days mein finish hoga. Aur agar 15 days per day padhega to kitne din mein finish hogi? Naturally jyada din lag jayenge. Agar aap kam page padhenge to number of days kya karenge? Increase karenge. It means this is a case of inverse variation. Number of pages and number of days. If he reads daily 18 pages per day, if he finishes in the book in 25 days. If he reads 15 pages in a day, then how many days will be required to finish a book?
This is a case of inverse variation. If this is a case of inverse variation, means 15 into x product 18 into 25. X equal to 18 into 25 divided by 15. Now cancel by 5. This 6 into 5, 30 days. Now question number 9. A shopkeeper has enough money to buy 40 books, each costing rupees 125. How many books he can buy if he gets a discount of 25 on each book? अगर 125 में बुक मिलती है तो वो 40 बुक्स खरीद पाता है. अगर हर बुक पर 25 रुपीज डिस्काउंट मिल गया, यानी बुक कितने की हो गई, 100 रुपीज की, तो हाउ मेनी बुक्स कैन ही परचेज. जब रेट कम हो गया तो वो ज्यादा बुक्स परचेज कर पाएगा. इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉस्ट टेबल है. नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉस्ट ऑफ द बुक इन रुपीज. अगर वो कितना 40 बुक्स खरीद पाता था, अगर कीमत कितनी थी 125. हाउ मेनी बुक्स कैन ही परचेज इफ द कॉस्ट ऑफ द बुक चेंज इन टू द रुपीज 100. पहले बुक कितनी थी, यहां लिख देंगे न्यू कॉस्ट ऑफ बुक आफ्टर डिस्काउंट 125 माइनस 25, इट मीन्स रुपीज 100. नाउ दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. तो टेक द सिंपल x इंटू 100 इक्वल टू 40 इंटू 125. x इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100. नाउ कैंसिल बाय 25. 25 4, 25 5. 4, 10. 4 से 10 बार कटेगा, तो 10 इंटू 5, 50. देखिए, अगर बुक की कीमत घट गई तो उसने बुक्स बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई. अगर 100 रुपए की मिली तो बुक की कीमत क्या आ गई, 50 रुपीज. नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ गई, 50. क्वेश्चन नंबर 10. सिक्स पंप्स वर्किंग टुगेदर एम्प्टी ए टैंक इन 28 मिनट्स. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ फोर सच पंप्स आर वर्किंग टुगेदर. अगर सिक्स पंप अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो एक टैंक को कितना टाइम लगेगा खाली करने में, 28 मिनट. और अगर फोर पंप लगाएंगे तो नेचुरली क्या होगा, कम टाइम, ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सिक्स पंप है तो 28 मिनट, और फोर अगर हमने ये घटा दी है तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा. दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. नंबर ऑफ पंप्स एंड टाइम, टाइम इन मिनट. इफ सिक्स पंप एम्प्टी द टैंक इन 28 मिनट्स, इफ फोर पंप, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक. दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. देयर फोर 4 इंटू एक्स इक्वल टू 6 इंटू 28. एक्स इक्वल टू 6 इंटू 28 बाई 4. 4 से कैंसिल करेंगे, 7 टाइम 4 7 जा 28, 7 6 जा 42. इट मीन्स द टाइम विल टेक टू 42 मिनट्स. द क्वेश्चन नंबर 11. ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस इन 4.8 आवर्स. व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स. अब सेम डिस्टेंस को 3 आवर्स में कंप्लीट करना है, नेचुरली द स्पीड शुड बी इंक्रीज. स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इन आवर्स. इफ द स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय 4.8 आवर्स. व्हाट शुड बी द स्पीड इफ ही टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस. दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. देयरफॉर x इंटू 3 इक्वल टू 75 इंटू 4.8. x इक्वल टू 75 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई 3, 25. नाउ मल्टीप्लाई
0, 120. The speed should be 120 kilometer per hour. The last question. A garrison of 120 men has provision for 30 days. As the end of 5 days, 5 more men joined them. How many days can they sustain on the remaining provision? वो कह रहा है कि एक इंसान पे कितना है, 30 डेज के लिए प्रोविजन है 120 मैन के लिए, और 5 दिन के बाद यानी आफ्टर मतलब रिमेनिंग डेज कितने हो गए, 25, तो सेम वो कितने दिन में हम लोग फिनिश कर पाएंगे, बचा हुआ जो प्रोविजन है वो कितने दिन में फिनिश होगा. नंबर ऑफ मैन एंड डेज, 120 मैन. अब 5 डेज तो वो फिनिश कर चुके, कितने नंबर ऑफ डेज रह गए, 25. यानी 120 मैन 25 डेज जितना प्रोविजन खत्म करते हैं, तो जो और 5 बढ़ जाएंगे यानी 125 मैन हो जाएंगे, तो उस बचे हुए को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे. था 30 डेज का, लेकिन 5 डेज ऑलरेडी वो कंज्यूम कर चुके हैं. इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. देयरफॉर 125 इंटू एक्स इक्वल टू 120 इंटू 25. x इक्वल टू 25, 5. 5 से कैंसिल करेंगे 120 को, 24. द आंसर इज 24 डेज. ओके, द वर्कशीट इज फिनिश्ड नाउ. यू कैन सॉल्व ऑल द वर्कशीट.